सबसे अहम बात थी प्रिपरेशन की, वो ये थी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो जिसका पूर्वानुमान हम लोगों को समय रहते मिल गया था, वो पूर्वानुमान इतना सटीक था कि वो काबिले तारीफ़ है और वो दूसरे जो एजेंसीज हैं भारत के बाहर के उनसे कहीं ज़्यादा एक्यूरेट था। और इसलिए मैं पहले भी मैं कह चुका हूँ कि मैं उन सभी वैज्ञानिकों को सलाम करता हूँ, उनके सटीक पूर्वानुमान के चलते समय रहते हम लोगों ने अपनी सारी जो एनडीआरएफ की टीमें थी उनको प्री पोजिशनिंग कर लिया। और प्री पोजिशनिंग से ये फ़ायदा हुआ कि राज्य सरकार के सहयोग से और उनके साथ समन्वय करने के बाद ही ये प्री पोजिशनिंग की गई थी, इसलिए उन इलाकों में प्री पोजिशनिंग की गई जहाँ पर ज़्यादा अपेक्षा थी कि साइक्लोन का इम्पैक्ट होगा। और उसके चलते और वहाँ उन्हीं इलाकों में से जो इवैक्यूएशन का काम हुआ, साइक्लोन शेल्टर में लोगों को ले लिया गया और समय रहते ले लिया गया, उसमें कुछ उनको समझाने बुझाने में समय ज़रूर लगा, लेकिन समय रहते साइक्लोन के हिट करने से कम 6 घंटा पहले इन लोगों को साइक्लोन शेल्टर में ले लिया गया। वो अपने आप में एक मास्टर स्ट्रोक जिसे कहते हैं सिद्ध हुआ। और मैं इसमें मुझे कोई संकोच नहीं है कहने में कि ये सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके एफर्ट से तो हुआ ही, लेकिन जो मैं बात अहम बात कहना चाहता हूँ वो ये कि जो कम्युनिटी के लोग थे जिन पर ये आफत आ रही थी, जिन्होंने अपने घर बार को छोड़ के ये तय किया कि नहीं साइक्लोन शेल्टर में चल देना चाहिए, अपने संपत्ति को छोड़ के उन्होंने ये तय किया कि साइक्लोन शेल्टर में चलना चाहिए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और उनके अवेयरनेस को दर्शाता है, उनकी संवेदनशीलता को दर्शाता है कि कैसे साइक्लोन का सामना किया जा सकता है। और इस तरह से टेक्नोलॉजी और जानकारी अवेयरनेस इन दोनों के समन्वय से सम्मिश्रण से और मल्टी स्टेक होल्डर एक एफर्ट जो हमारा हुआ उसके चलते आज हम लोग ये कह पा रहे हैं कि जो मिनिमम जान की क्षति जो है, मिनिमम जो हो सकती है वो इस साइक्लोन में हुई है, ये एक खुशी का विषय है। अगर चैलेंज को एक शब्द में मैं कहूँ तो वो है रेस्टोरेशन, कैसे पूर्व की स्थिति को बहाल की जाए। और ये अपने आप में कहना आसान है, करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ये ऐसा एक विभत्स मंजर है, क्योंकि पेड़ तो उखड़ के गिर गए हैं लाखों में, पावर लाइंस भी लाखों में उखड़ कर गिर गए हैं, इसलिए टेलीकॉम व्यवस्था, पानी सप्लाई की व्यवस्था और बिजली की व्यवस्था, ये तीनों एक तरह से बुरी तरह से प्रभावित हैं। और बहुत काबिले तारीफ है कि उड़ीसा गवर्नमेंट और भारत सरकार के समन्वय से सभी एजेंसियां इसमें लगी हुई हैं कि कितनी जल्दी सेवाएं बहाल की जाएं। और मुझे बताते हुए खुशी है कि इन तीनों ज़रूरी सेवाओं के अलावा हवाई सेवाएं जो कि हवाई जहाज़ जो आती हैं वहाँ एयरपोर्ट की जो नॉर्मलसी है, एयरपोर्ट क्षतिग्रस्त हो चुका है लेकिन जो एयरवेज हैं, जो एयरलाइंस हैं उनका नॉर्मल परिचालन शुरू हो गया है और रेल सेवाएं भी पुनः चालू हो गई हैं। इनके अलावा ये जो तीन आवश्यक सेवाएं हैं उसमें भी जहां तक पानी सप्लाई का सवाल है तो वो भी लगभग मैं कह सकता हूं कि औसतन 50% पूरी और भुवनेश्वर शहरों में होने लगा है। जहाँ तक कम्युनिकेशन का सवाल है, फ़ोन जो सेवाएं हैं उसमें भी काफ़ी अच्छी बेहतरी आई है और मुझे लगता है 50% से 80% तक हो चुका है। लेकिन जहाँ पर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा है वो है पावर जो हमारी बिजली की तारे हैं वो इतनी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हैं कि वहाँ जो ग्रिड स्टेशन है, पावर स्टेशन है, वो सब चार्ज हो चुकी हैं और इतना पर्याप्त पावर पोटेंशियल है कि अगर तारें ठीक रहती और सप्लाई लाइंस ठीक रहती, डिस्ट्रीब्यूशन सारा ठीक रहता तो अब तक बिजली आ जाती भुवनेश्वर शहर और पूरी में। लेकिन क्योंकि तार और पोल्स इतने क्षतिग्रस्त हैं, चार्ज होने के बावजूद भी ग्रिड कुछ किया नहीं जा सकता। अब सब कुछ दरमदार इस पर है
कि किस तरह से हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज को बहाल करें। और इसमें भी एनडीआरएफ पिछले 3 दिनों से ये रास्ते सब क्लियर करने में लगा हुआ था। मैंने जैसे कहा कई लाख पेड़ गिरकर रोड्स पर हैं, लेकिन हम लोगों ने पिछले 3-4 दिनों में 1.5 से 2 लाख पेड़ों को हम लोगों ने क्लियर किया, लेकिन उतने ही तादाद में पेड़ अभी भी रास्तों पर पड़े हुए हैं और कई जगह वो बिजली के तारों में ही उलझ कर हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है और हम लोगों को इसमें अभी लगातार 24 घंटे इस पर काम करना होगा। और इसमें म्यूनसिपल एजेंसीज, पावर कंपनीज, जो पब्लिक सेक्टर की पावर कंपनीज हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, भारत सरकार की और राज्य सरकार की, सभी लोग इसमें लगी हुई हैं, लेकिन इसमें कुछ समय लगेगा। एनडीआरएफ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सही रूप से होने लगता है तो वो अपने आप में एक फोर्स मल्टीप्लायर होता है और एक एफिशिएंस मल्टीप्लायर होता है, मतलब कार्य कुशलता उसमें बढ़ जाती है और इम्पैक्ट बढ़ जाता है। कार्य कुशलता इस तरह से बढ़ा कि जब हम लोगों के पास जब ये खबर आ गई, अब ये स्पष्ट हो गया कि एक बड़े तरीके का साइक्लोन हिट करने वाला है, तूफान आने वाला है, तो तूफान और समुद्री इलाके से तूफान आ रहा है, तो ये तय था कि हवाएं चलेंगी और डिस्ट्रीब्यूशन जब बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस जब होगा तो पेड़ बहुत कटकर रास्तों पे गिरेंगे। ये पूर्व जो हमारा जो पहले का तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, उसके आधार पर ये क्लियर था कि पेड़ तो बहुत सारे कट कर गिरेंगे या अपरूट होकर गिर जाएंगे और पोल्स भी उखड़ कर गिर जाएंगे। तो इन दोनों के लिए क्लियरेंस की ज़रूरत होती है और जो हमारा तजुर्बा है उसमें कटर्स की बहुत ज़रूरत होती है, इसलिए हम लोगों ने एक्स्ट्रा कटर्स भी भेजा। इसी तरह से ये भी हम लोगों ने अंदाज़ लगाया कि कहीं कहीं पर वाटर लॉगिंग होगी और हो सकता है टेम्पररी फ्लडिंग की सिचुएशन आए। फ्लडिंग की सिचुएशन में बोट्स की ज़रूरत होती है, एक्स्ट्रा बोट्स की ज़रूरत होती है, तो हम लोगों ने जो टीमें बाहर से भेजी, 18 टीमें वहाँ पर रेजिडेंट हैं जो वहाँ बराबर परमानेंटली डिप्लॉयड हैं उड़ीसा में, लेकिन बाहर से बिहार और बनारस से हम लोगों ने टीमें भेजी और आंध्र प्रदेश से टीमें भेजी, उनके साथ एक्स्ट्रा बोट्स भी भेजा। साथ ही साथ हमारे लिए कम्युनिकेशन की बहुत ज़रूरत होती है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की, तो हमने कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी भी एक्स्ट्रा भेजा, एक्स्ट्रा QDAs, एक्स्ट्रा वायरलेस सेट्स भेजा और सैटेलाइट्स फोन्स एक्स्ट्रा भेजा। तो ये सारी जो संरचनाएं हैं वो बहुत कारगर हो जाती हैं साइक्लोन के सिचुएशन में, और फिर उन पर जब हम लोग कारगर रूप से काम करने लगते हैं तो एक ऐसे सिचुएशन में जहां कम्युनिकेशन ठप है, जहां रोड जो है बंद हैं, ऐसे सिचुएशन में कम से कम मेरे लिए एस डी जी NDRF किसी तरह की परेशानी नहीं होती अपने टीम से बात करने में, अपने जो लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं उनसे बात करने में, और वो बहुत मायने रखता है। अगर मैं एस डी जी किसी एक ऐसे टीम से मैं बात कर रहा हूँ जो पानी में लोगों को बचाव के कार्य में लगा हुआ है और मैं उनको गाइड कर सकता हूँ या वो अपनी बात मेरे पास रख सकते हैं, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है और उनके मनोबल को बहुत बढ़ाता है। ये सारी जो संरचनाएं हैं उसमें जो बड़ी एक बात रही वो है समन्वय। जो अन्य एजेंसियां हैं जो टेक्नोलॉजी के रूप में हम लोगों को सहयोग करती हैं वो है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, कोस्ट गार्ड, एयरफोर्स भी एक तरह से टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है हम लोगों को, एयरक्राफ्ट एयरलिफ्ट करने के लिए। लेकिन जो सबसे बड़ा टेक्नोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन रहा वो है पूर्वानुमान का, मौसम विभाग द्वारा पूर्वानुमान, और जैसा कि मैंने कहा एक सटीक पूर्वानुमान, जगह कहाँ पर लैंड करेगा साइक्लोन, किस समय लैंड करेगा साइक्लोन और किस स्पीड से, किस गति से हवाएं चलेंगी, ये सभी एकदम सटीक पूर्वानुमान था। और ये एक दिन पहले नहीं, 4 दिन या 5 दिन पहले से इस पूर्वानुमान को लगातार दिया जाता रहा, जिसके लिए मैं इन वैज्ञानिकों को सलाम करता हूँ। ये माना जाने लगा है कि आपदाएं आएंगी, आपदाओं को रोका नहीं जा सकता क्योंकि ये नेचुरल हजार्ड है। अब नेचर पर किसी का अख्तियार नहीं, प्रकृति पर किसी का अख्तियार नहीं और उसके प्रकोप पर किसी का अख्तियार नहीं, लेकिन आप अपनी तैयारी पर अख्तियार रख सकते हैं। और ये जापान ये अपने आप में एक मिसाल है, जहाँ ये तय है कि वहाँ पर अर्थक्वेक आना है, भूकंप आना ही है, सुनामी भी आ सकता है, यहाँ तक कि उन्होंने ये भी प्रेडिक्ट किया है उनके वैज्ञानिकों ने कि 2030 में वहाँ एक और बड़ा सुनामी आएगा, ये प्रेडिक्शन भी उन्होंने किया। तो इस तरह से उनकी एक तैयारी रहती है और उस तैयारी में सबसे बड़ी तैयारी का जो पहलू होता है वो अपने आप को
रेजिलिएंट बनाना, उस काबिल बनाना कि जब एक्चुअली अघटन होने लगे तो आप किस तरह से उसको रिस्पॉन्ड करें। तो वहाँ पर जैसा कि मैंने बताया कि जब सायरन बजता है और ये बच्चा जानता भी है, 3 या 5 साल का बच्चा ये भी जानता है कि ये सायरन जो है सिमुलेशन का सायरन है, ये एक्चुअल अर्थक्वेक नहीं है, फिर भी वो इस तरह से रिएक्ट करता है, इस तरह से उसका उसकी उसकी ओरिएंटेशन होती है कि वो एकदम तयशुदा तरीके से रिएक्ट करता है, जो कि वो रियल अर्थक्वेक में रिएक्ट करे। तो ये इसी को रेजिलियंस कहते हैं कि आप ड्रिल के रूप में मान लें कि जब एक्चुअली आपदा आएगी तो मैं क्या करूँगा। तो इसी रेजिलियंस की दिशा में हमारे देश को भी चलने की ज़रूरत है। मुझे खुशी है कि जो हम लोगों ने इवैक्यूएशन किया, कुछ देर लगा ज़रूर, लेकिन अल्टीमेटली सभी लोग मान गए कि हाँ, हम लोगों को साइक्लोन शेल्टर चलना चाहिए। ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि पहले भी उन्होंने ऐसे झंझावात देखे हैं और साइक्लोन्स देखे हैं, और उनको ये समझ में आ गया कि जान अगर बचेगी तभी आगे कुछ ज़िंदगी को हम लोग संवार सकते हैं, ख़राब हो भी जाए तो संवार सकते हैं, लेकिन जान नहीं बचेगी तो फिर कुछ नहीं रहता। तो इसलिए वो अपनी संपत्ति को छोड़ के, अपने घरों को छोड़ के, चाहे जिस भी हालत में घर हो, उनको छोड़ के वो साइक्लोन शेल्टर में आ गए। तो इसी तरह से आगे भी हम लोग जो कम्युनिटी को ट्रेन करते हैं, उन कम्युनिटी को ट्रेन करने में हम लोग स्कूल्स को ट्रेन करते हैं, कम्युनिटी को ट्रेन करते हैं, और लगभग 12 लाख से 15 लाख लोगों को हम लोगों ने 2018 में ही ट्रेन किया। ये सभी उसी संरचना का पार्ट है कि समाज को डिजास्टर रेजिलिएंट बनाया जाए। भारत में हर वर्ष आई'd लाइक टू स्टार्ट विद द प्रेडिक्शन एजेंसीज, द मेट्रोलॉजिकल एजेंसीज व्हिच मेड द प्रेडिक्शंस। आई थिंक द प्रेडिक्शंस वेयर स्पॉट ऑन, एंड आई हैव सेड इट अर्लियर, आई वुड लाइक टू सल्यूट द एंटायर प्रेडिक्शन रिलेटेड साइंटिफिक कम्युनिटी, because they did a splendid job in not only predicting the landfall, the time of the landfall, the place of the landfall, as well as the speed with which the wind will hit at the place of landfall. So this gave us not only the time, they had predicted this and the entire path of the cyclone almost week to 8 days in advance, and that gave us the advance notice for preparation. And not only the NDRF was prepared, the state agencies in collaboration with us were also prepared, and we could plan the whole deployment together. The deployment is called pre-positioning. The pre-positioning happened all across Orissa along the coastlines, and the places of pre-positioning were also those places which were decided by the Orissa government as high impact places. So that is why I think the preparation which was well in time that saved the day. And after that, all the stakeholders were also brought together. One of the major factors behind the synergy and the sync of stakeholders was the constant monitoring at the highest level, and the cabinet secretary himself conducted a series of meetings almost every day, or rather every day the crisis management committee met, and all the stakeholders were brought on the same page, including the state government. And when I say state government, all the three state governments were involved. And when the crisis seemed to be now focusing on the government of Orissa or the state of Orissa, the state of Orissa was always involved. And that way we could not only save lives. This prediction itself led to the evacuation of more than 11 lakh people. And this is one of the probably the biggest exercises of evacuation anywhere in the world. And that is why the entire world is praising this effort. With a cyclone of this kind, it is very difficult to ensure that minimum lives are lost. Yet, the Indian system, the state and the center together in a spirit of cooperative federalism have proven that this can be done. As far as the present situation is concerned, as you asked, the present situation is a situation of restoration phase. We are trying to rehabilitate, provide relief and restore essential services. The three most important essential services are the telecom, power sector and the water. Water supply has been restored to an extent both in Bhubaneswar and Puri. I would say it is limping back to normal, if not normal. The flight services have been restored, that is as an aside. The railways have started. So between the three important ones, water is slightly restored. Power, I think, will take some time, but
I am told that 25% will be restored at least in Bhubaneswar by tomorrow. And as far as telecommunication is concerned, I think about almost 70% is restored. So this is an example of a very fast track and a very committed restoration action in a concerted manner. And 20 NDRF teams are working in Bhubaneswar, and 17 are working in Puri. And they are all helping the civil administration in whatever they want help in. So all in all, I think it's a very concerted effort that is proving to be effective, and I hope it will also be completed in a timely manner. Date first on the number of teams deployed. It started with 28 teams in Orissa and 18 each in Andhra and West Bengal. That was about 81 teams, so with including those on standby. But right now there are 44 teams in Orissa. That is up by another 16 from 28 because these commitments in Andhra Pradesh and West Bengal came down, so we diverted the teams. And the other aspect is we are now 12 battalions strong, not 10, and they are all spread over across the country. Now the challenges faced by us in Odisha, for example, was the challenge of evacuation. When we asked the people to move into the cyclone shelters, there was reluctance, and that is understandable. People who are living in a house for their lifetime and they're being asked to evacuate and go to a safer place, even in the name of a safer place, they would not like to get, just leave their property and go with their belongings. Because when you have to go to a cyclone shelter, you can carry only so much, just probably a packet. So that is something which is an emotive issue, and that was the biggest challenge. Although we were not the only agency doing that, the state was leading that, but we were facilitating that. And there was this issue of evacuation, persuasion, and lot of facilitation that took place. It almost took 24 hours or plus to convince them that they have to save their lives. You could see a lot of campaign also being. Campaign was almost ceaseless and multi-dimensional. Not only announcements, but even physical persuasion. Some of the officers. I believe the Puri SP was actually going door to door with folded hands. So, it was a massive effort, but it bore fruit, and today almost 12 lakhs are in the cyclone shelters. The other challenge was to find the, to traverse the roads when the trees were obstructing everywhere. There are lakhs and lakhs of trees which have fallen. We have cleared more than 1.5 lakh by last count, and there are still the equal number fallen on the roads even now. So that was a continuous challenge, and we had to in fact get help to get chainsaws from elsewhere. And I'm very thankful to the government of Andhra Pradesh that they provided extra chainsaws to us. We actually brought the chainsaws from Srikakulam district where they were deployed up to Odisha, and that is what is proving to be an efficiency multiplier on ground. Right now the biggest challenge is how to restore power. And for that also, the trees have to be cleared because the power lines and trees are all entangled. Right. So that's why they have to be recovered. So this is the biggest challenge. Once the power is back, the telecommunication will be up to scale. And also, once the power is back, the water will be fully restored. So power is the key right now. As far as category goes, it was a category 5, extremely severe cyclonic storm. That is the categorization, ESCS. Extremely severe cyclonic storm, and it means that it will hit upwards of 180 km per hour, probably gusting to 220, and that is exactly what happened. The time it hit Puri, it was about 180 km per hour, and it was the gust speed was almost 210 km per hour. So this was a different kind of a cyclone, also because it hit us in the summer. The summertime, the cyclones are not normal in Odisha. Odisha, the cyclones come around October, but this was a summer cyclone, and that has an impact because the land and the sea temperature differential is high in the summer. So when the wind actually cyclone gets near the land, because of the vacuum created on the land side, which is a higher level of vacuum, the hit factor is stronger. So it hits harder on the land, and this is what happened this time.
seeing the ground. The only thing I can say is it will take some time, and there has to be a lot of patience involved in this, because as I said, once the power comes, the telecom and the water supply will be normalized. But power itself is proving to be a difficult thing, because while the grids have been charged and the charging points are all done, I mean, for example, the Chandaka grid is already charged, but how do you distribute? Because the distribution wires are all snapped and thrown asunder. So it is a big challenge, and I think at the rate with which the focus is on, I'm sure it will take fewer days than we are anticipating and the public is anticipating. But I cannot put a number to it, how many days exactly. But on a safe side, I would say by the time it is 1 week from now, we should have 50% of the power up, if not more. And that will be the key to getting a sense of restoration and normalcy. You asked a very good question, because now the entire disaster fighting mechanism or disaster management effort is now focused all across the world as disaster risk reduction and disaster resilience. What it means is that communities should be made more resilient. Instead of fighting the disaster after it happens, you should be able to make the community so resilient that not only they do preventive measures, but they also fight back in terms of the normal times. They make arrangements for being able to be resilient. And I think one of the good things in Odisha is that after having suffered so badly for so many cyclones, they have learned the hard way, and the public was, even if it took a lot of time, 24 hours, at least the public was willing to relocate to the cyclone shelters. This is an example of the community which is aware. And right. Once the community is aware, they will be able to be the first bulwark against the things like cyclone. Right. There are examples of a district in Tamil Nadu where there is a survival kit with every household. The moment the siren goes about the cyclone, they take that survival kit and go to the shelter. Something like that is important, and Japan gives us a very good example. I'll end with that Japan, where even the smallest child knows what to do when there is an earthquake siren. Even if he knows that it's a simulation, he'll do exactly what is to be done. So that is why this is a sign of resilience, and we should promote more and more resilience across the country now. We can see multiplier, because today, for example, the moment we had extra chainsaws on the ground, our rate of clearing the roads multiplied. Right. Geometrically, not mathematically, geometrically. So that means that those extra men are not required, because you have chainsaws with almost every man. So every man is cutting one tree. Right. So it's a small example, but it matters. So technology is a efficiency multiplier. It's also a force multiplier, in the sense that the impact that you make as a force, as a national disaster response force, that also multiplies. Because if I have boats which are high tech, if I have a technology where I can throw a line to somebody with a remote control as a remote control boy, or a machine which will go into an area as a robotic machine, those are like additional hands without really having additional hands. So you are not investing in manpower, you are investing in technological power, and they can be a game changer when the time comes. So technology matters a lot, and I think the allied technologies of prediction are also force multipliers for us. In this case, in the case of FONI, the technology, the satellite technology that India has become stronger in the last few years, it was proven here, because the ISRO, the NRSA, the Meteorological Department, IMD, they all combined to give us, pinpoint prediction that made all the difference. And that is why, I mean, the other day we have got a response from Bihar asking for pre-positioning already for anticipating the flood. So you can see that the states are also getting more and more aware and conscious. And this is a very good indication of a disaster resilient country, or a country willing to become disaster resilient slowly but surely. And these are good signs for India, and I hope this process and this traction continues.